हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन यू आई ई एस विच देन गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका ना पॉलिटी लॉ से रिलेटेड है राइट सुप्रीम कोर्ट की कुछ कुछ रूलिंग्स इससे पहले भी आ चुकी हैं आपने आ, इस टाइटल में भी पढ़ी लिया होगा वी आर टॉकिंग अबाउट दी एग शेल्स कल फिनोमिना या प्रिंसिपल एग शेल्स कल प्रिंसिपल जिसको हम थिन स्कल प्रिंसिपल भी बोलते हैं राइट right. hmm. क्या चीज़ है बच्चे वो देख लेते हैं हो सकता है यूपीएससी आपसे इसके ऊपर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी है वो सवाल इस पर पूछ सकता है पोटेंशियल ज़्यादा है इसका आने का

और थिंस कल रूल भी कहा जाता है राइट right? आइए बच्चे अब हम समझ लेते हैं कि आपका यह वाला रूल है क्या सबसे पहली चीज तो यह एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल है विच इज अप्लाइड इन सिविल लिटिगेशन मीनिंग देखिए इसका इट इज अप्लाइड सिविलेशन ऑफेंडर वुड बी लाइबल देखिए बच्चे ध्यान से फॉर ऑल इंजरीज दैट माइट बी इंटेंसिफाइड ड्यू टू अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन दोबारा पढ़ता हूं इसको मैं इट इज अप्लाइड ऑफेंडर वुड बी लाइबल फॉर ऑल इंजरीज बी इंटेंसिफाइड एग्जिस्टिंग ऑफ द इंजर्ड पर्सन दैट दर माइट भी अन अवेयर ऑफ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका किसे झगड़ा होता है, है ना? और आपको नहीं पता कि यार इस बंदे को सिवियर चक्कर वगैरह आने की प्रॉब्लम है राइट और आपने कुछ नहीं किया हल्का सा पुश किया था बट ही फेल डाउन एंड ब्रोक इज आम एंड ऑल और वो अपनी उसकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन थी आपको पता नहीं था अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता तो उसको कुछ भी नहीं होना था बट इसको कुछ हो गया नाउ यू विल बी हेल्ड लाइबल कंप्लीटली फॉर दी इंजरीज ऑफ दैट पर्सन इर रिस्पेक्टिव ऑफ़ द फैक्ट कि कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग उसकी कंडीशन थी जिसकी वजह से ये हुआ आप अनअवेयर थे और अगर कोई और बंदा होता तो इतना नुकसान ना होता इसको कहा जाता है एक्चुअल रूल मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा क्योंकि जब यूपीएससी आपको इसके पे सवाल पूछेगा बच्चे वो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा ये लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा या फिर मेरे हिसाब से या कोई एक स्टेटमेंट दी जाएगी केस स्टडी टाइप दी जाएगी है ना और पूछा जाएगा कि इसके ऊपर लॉ का कौन सा प्रिंसिपल लगेगा एक्शल रूल लगेगा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ फार्म लगेगा है ना जो अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पढ़े होंगे राइट नहीं भी पढ़े तो बस आपको जो जो मैं बता रहा हूँ बस इतना पता करने की जरूरत है ज़्यादा घबराना नहीं है ये वीडियो देख के खासकर इतना पास जब प्री आने वाला है राइट तो भागना नहीं है इधर उधर जितना आता है काफी है उतना ठीक है भरोसा कीजिए अपनी तैयारी पे अक्सर देखा गया ही है कि स्टूडेंट्स मतलब पढ़ते बहुत सारे हैं लास्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि याद नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं मैं क्या करूँगा पेपर में ट्रस्ट योर प्रिपरेशन अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें फेथ पे छोड़ दीजिए मानिए उस चीज़ को कि आपने जो किया है वो काफ़ी है राइट बच्चे द रूल इज अप्लाइड फॉर क्लेमिंग एन एनहेंस्ड कंपनसेशन फॉर डैमेज दैट इज मोर देन वट कुड हैव बीन टू बी बाय द डिफेंडेंट ठीक है जिसने धक्का मारा जो मैं उस, उस केस के अंदर कहाँ हुआ बच्चे ये आपके लिए है 1890 का एक केस केस है है पे जो ऑफ डेवलप्ड फॉर फर्स्ट टाइम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चे है, है ना और हम देख लेते हैं कि एज पर द रूल और क्या बात होती है इसमें एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जाम्पल इमेजिन थिंसल एस फ्रजाइलाइज एन एक्शल इवन दो दर्सन लुक्स कंप्लीटली नॉर्मल आपको नहीं पता लग रहा है यू आर अनुकी मेंटल कंडीशन सॉरी फिजिकल कंडीशन क्या है यू आर अनकुलर थिंग राइट दिस पर्सन इज हिट इन देड बाय समल्स अन अवेयर ऑफ द डेलीकेट नेचर ऑफ दर्सन हेड अ नॉर्मल पर्सन वुड हैिटल इंजर्ड बट दर्सन विद एक्शल कल डाइज ठीक है अब क्या होगा एज पर द एक्सेल रूल रूल क्या बोलते हैं द पर्सन हु हिट द एक्सेल स्कल्ड पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसिस द पर्सन हैज सफर्ड एंड नॉट ये देखिए एंड नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ हार्म अ नॉर्मल पर्सन वुड हैव सफर्ड इट इज ऑफन कॉल्ड एज थिंग्स रूल राइट सो दिस इज द रूल एंड आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो बाई सेंगट वायलेंस इज नेवर एन आंसर The moment you choose violence in an argument is the moment you lose the argument, right? Stay calm, stay happy, and all the best for your examination. That is all for now. Thanks for watching the video. This 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IEA's Current Affairs Master Course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak. and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.